नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक की 31 नियोजन इकाइयों के 239 पदों के लिए 3691 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। 9 तक सूची होगी अपलोड, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से सूची, इसको अपलोड किया जाएगा तो वो अपलोड 9 तक हो जाएगा। सोच लीजिए, टोटल नियोजन इकाई 31 है, सीट 239 है और अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है वो 3691 है। तो किनका सिलेक्शन होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या न्यूज आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ये खबर नालंदा जिला के बिहार शरीफ से चलकर आ रही है। शारीरिक शिक्षक अनुदेशक भर्ती 2022 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जिले के 31 नियोजन इकाई के 239 पदों के लिए 3691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में जहां 100 से अधिक विद्यार्थी नाम अंकित हैं, वैसे सभी प्रारंभिक स्कूलों में एक एक शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक बहाल होने हैं, जिन्हें करीब 8000 रुपये के नियत वेतन व 200 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। DO केशव प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को NIC पर औबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। मेधा सूची के आधार पर चयन होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 28 मई को मिलेगा। औबंधिक मेधा सूची पर दावा आपत्ति के लिए 5 मई तक समय निर्धारित है। सभी संबंधित नियोजन इकाई को दावा आपत्ति का निराकरण, अंतिम रूप से मेधा सूची का अनुमोदन कराकर 9 मई तक NIC वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिए गए हैं। नियोजन शेड्यूल क्या है, तो आपत्ति करने की अवधि 5 मई तक, आपत्ति निराकरण का नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अंतिम सूची पर अनुमोदन 9 मई तक। नियोजन इकाई सीट आवेदन यहां पे दे सकते हैं। तो बिहार शरीफ नगर निगम में 24 सीट हैं, 239 आवेदन। नगर परिषद में हिलसा 3 सीट, 27 आवेदन। नगर परिषद इस्लामपुर में 4 सीटें, 112 आवेदन। नगर परिषद राजगीर में 4 सीटें, 156 आवेदन। नगर पंचायत गिरियक की बात करें तो 1 सीट, 20 आवेदन। नगर पंचायत हरनौत की बात करें तो 3 सीट, 64 आवेदन। नगर पंचायत नालंदा की बात करें 1 सीट, 22 आवेदन। नगर पंचायत पावापुरी की बात करें तो 2 सीट, 88 आवेदन। नगर पंचायत सिलाव की बात करें तो 2 सीट, 78 आवेदन। नगर पंचायत सरमेरा की बात करें तो 1 सीट, 12 आवेदन दिया गया है। वहीं सीट के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या क्या है, तो प्रखंड सीट आवेदन प्रखंड वाइज देख लेते हैं। बेन में 8 सीट, 142 आवेदन। अस्थावा में 10 सीट, 132 आवेदन। सरमेरा में 11 सीट, 103 आवेदन। चंडी में 10 सीट, 154 आवेदन। एकंगरसराय में 10 सीट, 161 आवेदन। गिरियक में 9 सीट, 171 आवेदन। हरनौत में 11 सीटें, 26 आवेदन। हिलसा में 10 सीट, 172 आवेदन। इस्लामपुर में 14 सीट, 226 आवेदन। कतरीसराय में 7 सीट, 112 आवेदन। किराए पर में 8 सीट, 83 आवेदन। नगरनौसा में 7 सीट, 92 आवेदन। परवलपुर में 4 सीट, 37 आवेदन। राजगीर में 11 सीट, 230 आवेदन। रहुई में 13 सीट, 178 आवेदन। सिलाव में 9 सीट, 199 आवेदन। और थरथरी में 8 सीट, 131 आवेदन दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं अंतिम मेधा सूची का जिला के NIC पोर्टल पर प्रकाशन 9 मई। जिला स्तर पर कैंप में मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 12 मई। कोटिवार 31 से चयन सूची का जिला NIC पोर्टल पर प्रकाशन 13 मई। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण 28 मई को किया जाएगा। तो हर एक अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी और जिले का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस रिलेटेड का हम औबंधिक मेधा सूची का एनालिसिस करके, फाइनल मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करके आपको जरूर बताएंगे, बशर्ते आपका कमेंट होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।